दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप योनो SBI ऐप में रजिस्टर कर सकते हो, योनो SBI ऐप में लॉगिन कर सकते हो, इसको चालू कर सकते हो। तो यहां पर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों यहां पे योनो ऐप को चालू करने के लिए दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो हो सकता है आपने अपना SBI इंटरनेट बैंकिंग चालू कर लिया है, इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर लिया है, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ नहीं है। SBI का इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट किया हुआ मीन्स आपका SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ है, या फिर हो सकता है आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ नहीं है। तो दोनों ही केस में देखते हैं कैसे आपको ऐप में लॉगिन करना है, ऐप को कैसे ओपन करना है, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आप योनो SBI एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लोगे अपने मोबाइल में। अगर इंस्टॉल किया हुआ नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर ओपन करोगे और प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे योनो SBI। योनो SBI सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन को आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, अपडेट मांग रहा, बस अपडेट कर देता हूँ। योनो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप योनो ऐप ओपन कर लोगे। अब यहाँ पे योनो ऐप डिवाइस लोकेशन का एसएस मांगता है, आप चाहो तो अलाउ कर सकते हो। इस तरीके से योनो ऐप ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आपके पास SBI का बैंक अकाउंट है तो आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर एक बैंक अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप सेविंग अकाउंट ओपन भी कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे ही वीडियो KYC के साथ। तो मेरे पास बैंक अकाउंट है, मैं योनो ऐप में रजिस्टर करना चाहता हूँ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेक एंड मैनेज फोन कॉल का परमिशन मांगा जाता है, मैं अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सिम कार्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो आपके मोबाइल में अगर दो सिम कार्ड लगे होंगे तो सिम कार्ड 1 और सिम कार्ड 2 दोनों ऑप्शन दिखाई देगा। जिस सिम कार्ड का मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर किया हुआ है उसे आप सेलेक्ट कर लोगे। मेरे मोबाइल में एक ही सिम कार्ड लगा हुआ है, उसे सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। और ये मेरे बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपसे SMS सेंड करने का, व्यू करने का परमिशन मांगा जाता है, आप अलाउ कर दोगे। यहाँ पे चूंकि SMS सेंड किया जाएगा तो मेक श्योर कर लेना है कि आपके मोबाइल में रिचार्ज किया हुआ भी है। देख सकते हो SMS सेंड कर दिया गया है, इसका मैसेज आ चुका है। SMS सेंड किया जाता है ताकि चेक किया जा सके कि जो आपने मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया हुआ है वो SBI के साथ रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ है, तो वैसे केस में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव इंटरनेट बैंकिंग फंक्शनैलिटी। और दूसरा केस अगर आपको इस टाइप का दिखाई देता है, क्रिएट योर SBI इंटरनेट बैंकिंग फंक्शनैलिटी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड आपको बनाना होगा, क्रिएट योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर ID एंड पासवर्ड। तो बात करते हैं पहले केस की, फिर मैं आपको दूसरा केस भी बताऊंगा कैसे आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, दोनों ही केस में आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप का आ जाता है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ है तो भी यहाँ पे आपको प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, आप प्रोसीड कर लोगे। और यहाँ पे आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम, पासवर्ड, रेफरल कोड इंटर करने की जरूरत नहीं होती है, इंटर करके सबमिट करके लॉगिन कर सकते हो। आगे OTP भेजा जाएगा, OTP डाल के आप वैलिडेट करोगे, फिर आपको MPIN सेट करना होगा, यानी कि मोबाइल पिन जो कि 6 डिजिट का होगा, और आप योनो ऐप में लॉगिन कर पाओगे, योनो ऐप आपके लिए ओपन हो जाएगा। इन केस अगर आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग आपका चालू है, आपको पता चल चुका है पिछले स्टेप से ही, लेकिन आप ये यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हो, तो कैसे इस यूजर नेम को पता करना है और पासवर्ड को रीसेट करके नया पासवर्ड बनाना है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों उन लोगों के लिए जिनका इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ नहीं है और अब वो योनो ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं, यानी कि उनके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आया है, क्रिएट योर SBI इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, यानी कि यूजर ID और पासवर्ड बनाना होगा लॉगिन करने के लिए। तो उनको भी यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करते हो यहाँ पे आप दो तरीकों से इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हो, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हो। एक आप अपने ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड के माध्यम से बना सकते हो। तो जब आप SBI में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो SBI आपको बाय पोस्ट 15 दिन के अंदर ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड भेजता है। आप उसके लिए ATM पिन भी जनरेट करते हो, बनाते हो। तो आप अपने ATM कार्ड और ATM पिन के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हो, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हो और योनो ऐप में लॉगिन कर सकते हो। और दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। तो अगर आप दूसरे ऑप्शन को चूज करते हो तो आपको ब्रांच विजिट करना होगा, और जिनके पास ATM कार्ड नहीं है उनको ब्रांच विजिट करके ही इंटरनेट बैंकिंग चालू करना होगा। तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास SBI का बैंक अकाउंट है और ATM कार्ड भी है जो कि बाय पोस्ट आपको मिल चुका है, और उसके लिए आपने ATM पिन भी बना लिया है, जेनरेट कर लिया है।
अगर आपने एटीएम पिन जनरेट नहीं किया है तो नए आए हुए एटीएम कार्ड के लिए कैसे एटीएम पिन जनरेट करना है एटीएम मशीन के पास जाकर के, एसबीआई एटीएम मशीन के पास जाकर के, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ मैं सिंपली रजिस्टर फॉर योनो विथ माई एटीएम कार्ड इस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप अपना अकाउंट डिटेल्स इंटर करोगे अगले स्टेप में, जिसमें कि आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। इस कैलेंडर वाले आइकन पे क्लिक करके आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका एज पर आधार कार्ड और पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का ही डेट ऑफ बर्थ बैंक अकाउंट में डालते हो। रेफरल आईडी इंटर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है सारा डिटेल इंटर करने के बाद। अब यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा एसबीआई की तरफ से, तो आप एसएमएस ऐप में जाकर के देख लोगे ओटीपी, और यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी इंटर कर देना है। एक बार में ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके दोबारा से रिक्वेस्ट डाल सकते हो ओटीपी मंगाने के लिए। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन राइट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो आप फुल सेलेक्ट कर लोगे और नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप एटीएम कार्ड के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हो। तो आप अपने एटीएम कार्ड के लास्ट का 6 डिजिट इंटर करोगे। एटीएम कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का नंबर मेंशन किया हुआ होता है, प्रिंटेड होता है। उस 16 डिजिट में से जो लास्ट का 6 डिजिट है, यहाँ पे आप इंटर कर दोगे और नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपने एटीएम कार्ड का एटीएम पिन भी इंटर करोगे। जब आपको एटीएम कार्ड मिलता है तो आप उस एटीएम कार्ड के लिए 4 डिजिट का एटीएम पिन बनाते हो। उसी एटीएम पिन को इंटर करके आप एटीएम मशीन से ट्रांजेक्शन भी करते हो, वही एटीएम पिन 4 डिजिट का यहाँ पे इंटर कर देना है। एटीएम पिन इंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। और अब आप देख सकते हो अगले स्टेप में यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए मिल जाता है, सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स। तो यहाँ पे आप एक यूजर नेम बनाओगे यूनिक सा, और यूजर नेम कैसा बनाना है उसके लिए कंडीशन भी दिया हुआ है। यूजर नेम में मिनिमम 3 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होना चाहिए, और कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर्स को यूज कर सकते हो, और केवल नंबर्स को ही यूज नहीं करना है, अल्फाबेट्स यानी कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग उसमें कुछ नंबर्स को ऐड करके यूजर नेम बना सकते हो, लेकिन आपको यूजर नेम यूनिक बनाना होता है। अगर आप यूनिक नहीं बनाओगे तो एरर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड भी इंटर करना है, यानी कि सेट करना है। पासवर्ड भी किस टाइप का बनाना है उसके लिए भी कंडीशन है। पासवर्ड आपका 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग बने। इसके अलावा पासवर्ड में लेटर्स होना चाहिए, यानी कि अल्फाबेट्स होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड में कोई डिजिट भी आपको रखना है, और वो डिजिट 0 से 9 के बीच में कुछ भी आप रख सकते हो, एटलीस्ट 1 डिजिट तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यूज करोगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना है, जैसे कि ये सारे सिंबल्स। तो पासवर्ड को यहाँ पे आप इंटर करके सेट कर लोगे, और वापस से री इंटर करके कंफर्म भी कर लेना है। जो पासवर्ड यहाँ पे डालोगे वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है और कंफर्म कर लेना है। उसके बाद सक्सेसफुल का मैसेज आएगा इस तरीके से। अब आपको 6 डिजिट का एम पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा, मोबाइल पिन, तो सेट एम पिन इस पे क्लिक करना है। अब इस टाइप का आपके सामने कंसेंट आएगा, आप नीचे स्क्रॉल करके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लोगे, नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे अब आप एम पिन सेट कर लोगे, मोबाइल पिन। अगली बार लॉगिन करने के लिए या तो आप यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप ये जो एम पिन सेट करोगे इसे भी इंटर करके लॉगिन कर सकते हो। तो एम पिन सेट करने से लॉगिन करना आसान हो जाएगा। तो एम पिन यहाँ पे इंटर कर देना है, और वापस से 6 डिजिट का एम पिन री इंटर करके कंफर्म कर लेना है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फिर से ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आप इंटर कर दोगे। ओटीपी एक बार में आपको एसएमएस में रिसीव नहीं होता है, तो आप रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके दोबारा से रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ओटीपी इंटर करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद इस टाइप का कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ओके कर लेना है। और अब आप यहाँ पे ऐप में लॉग इन कर सकते हो यहाँ से, या फिर अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, बैंक बैलेंस, या फिर क्विक पे कर सकते हो। तो लॉग इन करने के लिए इस पे क्लिक करना है, और आप अपना एम पिन जो कि आपने सेट किया है वो इंटर करके लॉगिन कर सकते हो, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर सकते हो जो कि आपने अभी सेट किया। मैं एम पिन इंटर करके लॉगिन कर लेता हूं, और इस तरीके से आपका योनो ऐप ओपन हो जाता है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको योनो ऐप यूज करना है।